हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वाति की नॉलेज। और आज आप देख रहे हैं स्वाति की नॉलेज। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइल टैब के सेव एंड सेव एज ऑप्शन के यूजेस। सो बेसिकली ये क्या काम करते हैं और हम इन्हें क्यों यूज करते हैं, ये इसका काम क्या है। सो वी विल लर्न टूडे अबाउट दिस। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। सो फर्स्ट टॉपिक नेम इज सेव ऑप्शन एंड हाउ डज इट वर्क। सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स डायरेक्टली गो टू द एक्सेल सीट। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी एक्सेल सीट और जस्ट हमारा ऊपर के टॉप पर क्या शो हो रहा है, टाइटल बार बुक वन के नेम से। तो बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम ने ये फाइल बुक वन के नेम से शो करी हुई है, लेकिन अगर हम इसका नेम चेंज करना चाहते हैं और इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो वो हम सीखेंगे आगे वीडियो में। देखो कैसे करते हैं। तो फाइल टैब पर जाएंगे और हम आज पढ़ेंगे सेव एंड सेव एज ऑप्शन का यूज। सेव करने की शॉर्टकट की होती है हमारे किसी भी वर्कबुक या किसी भी फाइल को Ctrl+S। Ctrl+S होती है हमारे किसी भी फाइल एंड किसी भी वर्कबुक को सेव करने की शॉर्टकट की। तो अब हम देखते हैं कि सेव हम कैसे करते हैं अपनी फाइल को। सबसे पहले इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वन ड्राइव। बेसिकली वन ड्राइव ऑप्शन क्या करता है और इसका क्या काम है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि वन ड्राइव ऑप्शन एक ऑनलाइन वर्क करता है, मीन्स ये ऑनलाइन वर्क करने वाला ऑप्शन है। इसके लिए हमारा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ओपन होना चाहिए और वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑनलाइन स्टोरेज स्पेस है जिसमें हम फाइल्स को या डॉक्यूमेंट को सेव, एडिट एंड शेयर कर सकते हैं इजिली। आप वन ड्राइव को अपने कंप्यूटर, स्मार्टफोन, किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जैसा मैंने बताया कि ये जो ऑप्शन है ये क्या करता है, ऑनलाइन वर्क करता है। तो ऑनलाइन वर्क करने से आप खुद ही कॉमन सेंस लगा सकते हो कि इसके लिए हमारे सिस्टम में नेटवर्क होना जरूरी है, मीन्स मैंडेटरी है, नेसेसरी है। तो फिलहाल मैं आपको ये नहीं करा, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए क्योंकि मेरे सिस्टम में अभी इंटरनेट नहीं है, सो सॉरी। अब हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन, दिस पीसी। मींस अगर हम अपनी फाइल या वर्कबुक को डेस्कटॉप, डाउनलोड या डॉक्यूमेंट ऑप्शन किसी में भी अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। इस ऑप्शन के थ्रू हम अपनी फाइल को डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट या डाउनलोड ऑप्शन में सेव कर सकते हैं। और ऐड अ प्लेस ऑप्शन सिमिलर है वन ड्राइव के, चाहे आप इसमें सेव करो अपनी फाइल या इसमें सेव करो तो सेम है। अब हम आते हैं ब्राउज ऑप्शन पे। ब्राउज ऑप्शन का यूज हम फाइल को सेव करने के लिए ही करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी फाइल को डेस्कटॉप, डाउनलोड या फिर डॉक्यूमेंट के अलावा किसी और ड्राइव में सेव करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। तो मैं आपको दिस पीसी में सेव करके बताती हूँ कि हम अपनी फाइल को कैसे सेव करते हैं। तो देखो ये हमारी फाइल है बुक वन और मैं इसको सेव करना चाहती हूँ। या तो आप Ctrl+S की प्रेस करें डायरेक्टली, या फिर फाइल मेन्यू पर जाएं और उसके सेव ऑप्शन पर क्लिक करें और दिस पीसी पर क्लिक करें। जब आप दिस पीसी ऑप्शन पे या डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हो तो डेस्कटॉप पे सेव करें। सबसे पहले क्या करो, डेस्कटॉप ऑप्शन पर क्लिक करें और सपोज मैं बुक वन से ही अपनी फाइल को सेव कर, बुक वन नेम से ही अपनी फाइल को क्या करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो। अगर आप कोई और नेम देना चाहते हो तो यहाँ पर टाइप कर दें, देन सेव एज टाइप में एक्सेल वर्कबुक रखें क्योंकि ये हमारी एक वर्कबुक है पूरी, ये पूरी वर्कबुक सेव हो जाएगी। और सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो देखो हमारी ये फाइल डेस्कटॉप पर क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। जो आपको ये दिख रही है ये बुक वन, ये हमारी अभी हमने सेव की है फाइल, ये वो फाइल है, ठीक है। तो हम ऐसे अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, अपनी वर्कबुक को सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में, डेस्कटॉप में, डाउनलोड में या फिर किसी अदर फाइल में। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करें। अब सपोज ये मैंने डेस्कटॉप पर ना करके मैंने कर दी लोकल डिस्क सी में, ये सपोज, ठीक है, लोकल डिस्क सी में मैंने बुक वन के नेम से ही और सेव कर दी। तो ये हमारा यू डोंट हैव परमिशन टू सेव इन दिस लोकेशन, मीन्स मेरे पास अभी परमिशन नहीं है इस लोकेशन में सेव करने के लिए, दैट्स वाई वी कांट सेव दिस फाइल। तो फ्रेंड ये था हमारा सेव ऑप्शन का यूज।
अब हम देखते हैं सेव एज ऑप्शन का यूज। बेसिकली इसका यूज क्या होता है, इसका यूज तब किया जाता है माय डियर फ्रेंड, जो हमने फाइल सेव की थी, लाइक बुक वन फाइल हमने सेव किया था ऑलरेडी, और हम अब उस फाइल को चेंजेस या कोई एडिटिंग करना चाहते हैं उस फाइल में। सपोज हम उसे कोई और लोकेशन में सेव करना चाहते हैं, किसी और ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सेव एज ऑप्शन का यूज करेंगे। इसकी शॉर्टकट की होती है हमारी F12। तो फ्रेंड्स सेव एज ऑप्शन का यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने फाइल ऑलरेडी सेव कर रखी है, मीन जिसका जिसके नेम में हम एडिटिंग करना चाहते हैं या कोई और लोकेशन में सेव करना चाहते हैं, तो उस फाइल को आप ओपन करें लाइक दिस, मैंने ये ओपन कर रखी है। फिर उस फाइल को ओपन हो जाने के बाद जो भी आप उसके सपोज डेटा में चेंजेस करना चाहते हो, सपोज मैंने और कुछ टाइप करा, अब ये उस फाइल में नहीं होगा जो मैंने यहाँ टाइप कर, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने जो इसमें इस डेटा में एडिटिंग करी है, अब वो मैंने पहले फाइल जो सेव कर रखी थी उसमें नहीं होगी, और अब मैं जो सेव करूँगी वो इसमें सेव होगी। तो हम क्या करेंगे, या तो फाइल टैब पर जाएं और उसमें फाइल टैब पर जाएं और उसमें सेव एज ऑप्शन पर क्लिक कर दें, या फिर आप क्या कर सकते हैं F12 की प्रेस करें। ये सेव एज ऑप्शन की शॉर्टकट की है। F12 की आप प्रेस करेंगे, जब आप F12 की प्रेस करेंगे तो आपका ये सेव एज का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो आप उसमें जो आपने फाइल ओपन की थी जिसमें कुछ एडिटिंग करी है, आप उसको और किसी नेम से सेव करना चाहते हैं, तो आप वो सपोज मैं बुक वन से नहीं बुक टू नेम से सेव करना चाहती हूँ, और जिसमें सेव करना चाहती हूँ सपोज डेस्कटॉप पर सेव करना चाहती हूँ, तो डेस्कटॉप पर क्लिक करें और सेव ऑप्शन पर प्रेस कर दें या क्लिक कर दें, तो फाइल हमारी ऑलरेडी सेव एज में सेव हो जाएगी। लाइक देखो ये हमारी बुक टू आ गई ना, और वो एडिटिंग भी हमारी इसमें आ गई होगी। तो ये यूज था हमारा सेव एज ऑप्शन का। और हमारे कुछ शॉर्टकट कीज है, कंट्रोल प्लस एस है हमारी टू सेव अ वर्कबुक, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वर्कबुक को सेव करने की हमारी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एस। और F12 किसकी शॉर्टकट की होती है, टू ओपन द सेव एज डायलॉग, मीन्स हमने कोई फाइल सेव कर रखी है, अगर हमने उसमें कोई एडिटिंग की है, हम उसे दोबारा सेव करना चाहते हैं उसी नाम से किसी और नाम से, तो हम F12 की प्रेस करेंगे और वो हमारी फाइल सेव हो जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज माई डियर फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें माई चैनल, कमेंट करें और लाइक करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो दैट वॉज द टुडेज सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।